नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, एक बहुत अच्छी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं और आज की ये जो खबर है ये है RPF के बारे में, यानी RPF की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। एक अभी अभी नोटिस आया है आज की तारीख में, वो नोटिस फेक है या ऑथेंटिक है वो तो अभी प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन ये मान के चलो कुछ ना कुछ तो आपके लिए आया है। अच्छी खबर है, अगर ये ऑथेंटिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो भी साथियों ये मान लो कि रेलवे मंत्रालय के अंदर हलचल पैदा हो गई है और ये हलचल आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है या फिर आ गई है। क्योंकि इस नोटिस के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी इस महीने में वैकेंसी आने वाली है। ये कोई विज्ञप्ति नहीं है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले हमेशा रूल दिए जाते हैं रेलवे मिनिस्टर के द्वारा या रेलवे मंत्रालय के द्वारा, तो वही रूल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कि भी कैसे भर्ती होगी, किस किस पद के ऊपर होगी, उसका नोडल एजेंसी कौन होगी, कौन उसको करवाएगा, पेपर कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल कौन करवाएगा, वो सारे रूल हैं वो आपके सामने अभी प्रदर्शित किए जाएंगे। और वो एक नोटिस आपके सामने अभी आपने देखा भी होगा, वो बहुत जगह घूम रहा है, आज की तारीख का नोटिस है, उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो उस नोटिस के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है या गलत है, फेक है या ऑथेंटिक है, ये अभी प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि RPF की कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी कॉन्स्टेबल और SI दोनों की भर्ती आ गई है। एक नोटिस आया है, उस नोटिस की बात करते हैं। नोटिस की अगर मैं आप दिखाऊं आपको तो ये एक नोटिस आया है, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये नोटिस आया है आज की तारीख का, 2 तारीख का ये नोटिस है, आप देख सकते हो 2 तारीख इसके ऊपर लिखा हुआ है। आज की इसमें क्या है, तारीख है 2 तारीख, तो आज की तारीख का ये नोटिस है। तो इस नोटिस के आधार पर हम बात करते हैं। देखिए, ये देखो इसमें वैकेंसी के बारे में भी दे रखा है, कितनी कितनी वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपके लिए आया है। देखिए, बात करते हैं हम पोस्ट की। तो पोस्ट की अगर बात करें तो एक तो कांस्टेबल की है और एक सब इंस्पेक्टर की है। इसमें दिया हुआ है कि 2000 पोस्ट तो आपकी किसकी है, कांस्टेबल की है, 2000 पोस्ट तो किसकी है, कांस्टेबल की, और 250 पोस्ट किसकी है, SI यानी सब इंस्पेक्टर की। ये इस नोटिस में दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें योग्यता क्या रहने वाली है, तो आपकी जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए आपकी 10th class pass रहने वाली है, 10th class pass, और आपकी जो SI है इसके लिए आपकी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है यानी BA BSc BCOM ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रोसेस क्या रहेगा, इस वैकेंसी का प्रोसेस क्या रहेगा, साथियों इस वीडियो के लास्ट में, इस पूरी प्रोसेस के बाद में मैं आपको एक लिंक भी दूंगा, उस लिंक के ऊपर मतलब इस वीडियो के लास्ट में मैं जोड़ दूंगा एक छोटा सा वीडियो, उसमें सारा का सारा नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, वो नोटिस आप देख लेना पूरा का पूरा क्या है उस नोटिस में, एक बार थोड़ी सी बात समझ लो आप। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस साथियों ये रहेगा कि सबसे पहले आपका होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पेपर होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका होगा PET यानी फिजिकल, और उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 प्रोसेस में आपकी ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। मैंने क्या बताया कि ये जो नोटिस अभी घूम रहा है इसमें ये बात बताई गई है कि सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद PET होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब इसमें 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद बात करें आपकी एज क्या रहने वाली है, तो साथियों कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष तक आपकी क्या है, कांस्टेबल के लिए है, और आपकी जो SI है उसके लिए 20 वर्ष से 25 वर्ष तक, ये आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है। एज का क्राइटेरिया 20 से 25 SI के लिए और 18 से 25 आपका क्या रहेगा, कांस्टेबल के लिए। इसके साथ साथ जो OBC को, SC ST को, SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है, OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का, वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो साथियों इसमें 3 प्रकार के सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका आता है GS जो आता है आपका 50 नंबर का, एक आता है आपका मैथ वो आते हैं आपके 35 नंबर के, और एक आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें तो वो भी कितने क्वेश्चन आते हैं,
कितने नंबर का आता है वो भी आपका आता है, कितने नंबर का, 35 नंबर का, यानी 120 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के, 120 नंबर के। और मिनट कितने मिलते हैं आपको, 120 क्वेश्चन जो करने पड़ते हैं वो आपको 90 मिनट में करने पड़ते हैं। कितने मिनट में करने पड़ते हैं, 90 मिनट में। और साथियों ये जो 50 क्वेश्चन है जीके के, इस जीके में 50 क्वेश्चनों में से ये मान के चलो 15 क्वेश्चन आपके किसके आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं साइंस के, किसके आ जाते हैं साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जाते हैं इस 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन। उसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं और पीछे बचते हैं आपके 20 क्वेश्चन, वो आपके स्टैटिक जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के अंदर जीके बहुत महत्वपूर्ण रोल रखेगा। जैसे अभी आपने पीछे मतलब दिल्ली पुलिस का दिया होगा, अभी आपकी जो SSCGD की वैकेंसी है उसमें भी यही सिलेबस है, उसमें भी यही सिलेबस है, उसमें सिर्फ एक हिंदी इंग्लिश है, हिंदी या इंग्लिश है। आप अगर SSCGD की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है ये, क्योंकि सेम का सेम सिलेबस उसमें है। बस इसमें थोड़ा सा जो आपका रेलवे होता है, रेलवे में थोड़ा सा आपका क्या पूछ लिया जाता है, आपका साइंस ज़्यादा पूछ लिया जाता है। और साइंस की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर क्या मिलती हैं, साइंस की क्लास मिलती हैं। अभी मेरी जो है वो फिजिक्स की क्लास चली हुई है, फिजिक्स बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलता। एक बार आप क्लास लेके देख लीजिए, अच्छे से आप इस चैनल को देखोगे गौर से तो उसमें आपको फिजिक्स की क्लास देखने को मिलेंगी, बायोलॉजी की क्लास आपको देखने को मिलेंगी और केमिस्ट्री की क्लास भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा कंटेंट जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, एक बार क्लास को जरूर देखना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें पीईटी की, पीईटी में क्या रहने वाला है, तो साथियों इसमें बात करते हैं पीईटी की। तो पीईटी के अंदर इसमें आपकी एक तो है 1600 मीटर रेस, यानी 1600 मीटर रेस जो है वो मेल के लिए, मेल के लिए कॉन्स्टेबल में, मेल के लिए कॉन्स्टेबल में, ये मैं मिटा देता हूं, ऊपर बताता हूं मैं आपको। यहां 1600 मीटर रेस और मेल में, मेल की अगर बात करें कॉन्स्टेबल में, कॉन्स्टेबल में आपको 5 मिनट और 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको ये करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें किसकी, SI की, तो SI की आपको 6 मिनट और 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड आपको SI के लिए टाइम दिया जाएगा और कॉन्स्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड आपको दिया जाएगा। अगर बात करते हैं फीमेल की, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है, फीमेल की भी मैं आपको दिखाऊंगा, फीमेल की भी बताऊंगा। फीमेल का शायद इसमें है 7 मिनट 20 सेकंड, 7 मिनट 20 सेकंड किसका, 1600 मीटर का, और ये आपका है कॉन्स्टेबल का, ये तो है कॉन्स्टेबल का। और SI की बात करें तो SI में शायद 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड आपके किसके अंदर है, 8 मिनट 30 सेकंड फीमेल में आती है आपकी SI के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप, और एक होता है आपका हाई जंप। तो अगर कॉन्स्टेबल की बात करें तो कॉन्स्टेबल में जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वो है 14 मीटर। और अगर बात करें लॉन्ग जंप की SI के अंदर, तो SI में जो लॉन्ग जंप है साथियों वो है आपका 3 मीटर 3.9 मीटर, ये आपका SI के अंदर चौदह फिट है और ये आपका 12 फिट है। SI में 12 फिट लॉन्ग जंप और आपका लॉन्ग जंप कॉन्स्टेबल के अंदर कितना है, 14 फिट। अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपका जो कॉन्स्टेबल है, कॉन्स्टेबल में तो आपका जो हाई जंप है वो है कितना, 4 फिट, और SI में जो है वो है 3.9 मीटर, या 4 फिट मान सकते हो आप, 3.9 फिट, ठीक है। ये आपका पीटी का रहेगा। सिलेबस की मैंने बताई दी, एज की मैंने बताई दी, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ये जो नोटिस आया है, उस नोटिस को पूरा आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों अभी आपके सामने क्या आएगा, वीडियो आएगा। कौन सा वीडियो, सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, इस नोटिस का, जो आज नोटिस घूम रहा है उस नोटिस का आएगा, देख लीजिए एक बार आप। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है साथियों, ये है आपका आज का नोटिस। इसमें देखो 2 तारीख दी गई है, कितनी तारीख दी गई है, 2 तारीख, ये देखो 2 तारीख है, ये देखो 2 तारीख, ठीक है। और ये आपका आया है आज की तारीख में, और रेलवे मंत्रालय से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये आया है। अब ये ऑथेंटिक है या फेक है ये पता नहीं है अभी, लेकिन आप देख लीजिए। इसकी अगर बात करें तो
नीचे देखो आप, ये है आपकी वैकेंसी, इसमें देखो कितनी वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी। ये है आपकी 2000 वैकेंसी किसकी, कांस्टेबल की, और ये 250 वैकेंसी किसकी है, ये 250 वैकेंसी है किसकी, एसआई की, है ना। इसमें 10% वैकेंसी क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, और 15% वैकेंसी किसके लिए रिजर्व है, ये 15% वैकेंसी वोमेन यानी फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोसेस दे रखा है, इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, फेज वन में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फेज सेकंड में आपका क्या होगा, पीटी होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देखो ये नोडल एजेंसी के बारे में, नोडल ऑफिसर के बारे में बता रखी है कि कौन आपका नोडल ऑफिसर होगा और कौन आपकी नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी का मतलब कौन सी एजेंसी आपका ये पेपर वगैरह करवाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपके सब इंस्पेक्टर के लिए दे रखा है कुछ बातें, किसके द्वारा ये भर्तियाँ दी जाएंगी, वो सारी बातें हैं। फिर आगे देखिए, ये नोडल एजेंसी हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ सभी के अलग अलग क्या की गई हैं, नोडल एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं, और यही आपका ये एग्जाम करवाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसमें एज कितनी है, 20 से 25, और कांस्टेबल के लिए 10th पास, 18 से 25 ये आपकी एज है। उसके बाद देखिए आगे, ये आपके रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है, ओबीसी एसटी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद ये हाइट के बारे में दे रखा है, ये सारी डिटेल किसके बारे में, हाइट के बारे में। तो आप वीडियो को प्यूज करके आप इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी कितनी कितनी हाइट का क्राइटेरिया है, वो देख सकते हो आप। उसके बाद देखो आगे, ये सीबीटी के बारे में दे रखा है, देखो इसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे कांस्टेबल में, और सब इंस्पेक्टर में 50 क्वेश्चन, जीके के और अर्थमेटिक के कितने हैं, 35-35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के कितने हैं, 35-35 क्वेश्चन, ये दे रखा है। उसके बाद ये आपका सिलेबस दे रखा है, जनरल अवेयरनेस का क्या है, अर्थमेटिक का क्या है, और रीजनिंग का क्या सिलेबस है, वो दे रखा है। उसके बाद ये पीईटी के बारे में दे रखा है, आगे देखिए पीईटी के बारे में, ये है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट फेज सेकंड। इसमें देखो सब इंस्पेक्टर में 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस करनी है, और 12 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 9 इंच क्या है आपका, हाई जंप है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करें फीमेल में, ये तो मेल की बात थी, और ये फीमेल में कोई इसमें वो टाइम नहीं दे रखा है, आपकी 800 मीटर रेस होगी, 1600 मीटर रेस नहीं होगी, 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट में। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर जो बताया था वो थोड़ा सा गलत था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 मीटर रेस होगी फीमेल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी, 4 मिनट में, और 9 फीट आपका लॉन्ग जंप है, और 3 फीट आपका क्या है, हाई जंप है। उसके बाद कांस्टेबल की बात करें, तो कांस्टेबल में मेल के लिए कितना है, 5 मिनट 45 सेकेंड, और 14 फीट आपका लॉन्ग जंप है, और हाई जंप कितना है, 4 फीट। और फीमेल की बात करें, फीमेल में क्या है आपका, 800 मीटर रेस 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है आपको, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप है, और हाई जंप कितना है, 3 फीट, ठीक है। ये है, उसके बाद ये कुछ बातें और दे रखी हैं आगे। इसका जो लिंक है वो, ये जो नोटिस है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहां पर ये पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा, ये नोटिस देखने को मिलेगा, आप वहां जाके इसको अच्छे से और पढ़ लीजिए, ठीक है। ये है, ये क्वालिफाइंग मार्क हैं, ओबीसी और यूआर के लिए 42 नंबर लाने जरूरी हैं, एससी एसटी के लिए 36 नंबर लाने जरूरी हैं, है ना। उसके बाद वही बातें दे रखी हैं कांस्टेबल और एसआई दोनों की। आगे देखिए फिर, तो ये है आपका, ये तो आपके वो आ गए जाति प्रमाण पत्र वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह आ गए, तो यहाँ तक आपका ये नोटिस है, और ये 1/1/2024 की तारीख का क्या है, ये साइन है, तो आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। अब ये सही है या गलत है पता नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हो कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपकी वैकेंसी की आप सोच रहे हैं, अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज से जुट जाइए, क्योंकि आज से ही ये मान लो आपकी वैकेंसी आ गई है, और आज से ही आपको जुड़ना है। अगर आप साइंस आपको परेशान करती है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो आपके सामने लाया हूँ, कोई गलती रह गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश की है कि मैंने आपको ये जानकारी सारी दे दी है। और कल हम क्लास में मिलते हैं, हमारी जो क्लास है वो चल रही है रेगुलर, फिर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।